ना ही वो मेरी लाइफ में आती, ना ही मेरी बीवी माया का शक मुझ पे बढ़ता जाता है, और ना ही वो इस तरह से रिएक्ट करती है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं एमएलए राम शास्त्री जी की बेटी वंदना शास्त्री की बात कर रहा हूं। लेकिन वो तो जानता हूं कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से है, लेकिन ये जानने के बावजूद मेरा और वंदना का संबंध है। प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरा माया के साथ एक प्री नेपचुअल एग्रीमेंट है, और अगर माया को इस संबंध के बारे में पता चल गया और उसने इसके आधार पर डिवोर्स की अपील की तो मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। थैंक्स मिस्टर हर्ष, ये अच्छी बात है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी रास्ते पे चलिए। वैसे तो डॉक्टर कपूर, आप पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, लेकिन फिर भी हमारी ये बातचीत। यू डोंट वरी एट ऑल, ये मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। सी यू। दीपिका, ये हर्ष वर्मा की कैसेट है, इसे मेरे सेफ में अच्छी तरह से संभाल के रख दो, और ये लो चाबी। एक मिनट, खोल रही हूं ना। क्या हुआ अभिषेक, इतनी देर से बेल तू बजा रहा था? दीदी दीदी, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। कहाँ निकलना पड़ेगा, हुआ क्या है? दीदी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है, कहाँ जा रहा है, हुआ क्या है अभी? दी, अगर मैं एक भी दिन यहाँ रुका ना तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा तुझे, हुआ क्या है? दीदी मैंने फिर से सट्टे में पैसे हार गया हूँ। मुझे बुकी को 5 लाख रुपए देने हैं दीदी, और अगर मैं वो पैसे नहीं दे पाया ना तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे दीदी। कौन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, कौन मारेगा तुझे? दीदी 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन मेरे पास कल तक इसका इंतजाम करने का एक रास्ता है। लेकिन मुझे पता है आप इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी, इसलिए मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ दीदी। अभी मेरी बात सुन, क्या रास्ता है बोल। डॉक्टर देवेंद्र कपूर। डॉक्टर देवेंद्र कपूर? हाँ दीदी, डॉक्टर देवेंद्र कपूर इस शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, और तुम उनके क्लिनिक में काम करती हो दीदी। तुम्हारे बिना मेरी मदद कोई नहीं कर सकता है। पर मैं क्या कर सकती हूँ दीदी? दीदी मुझे उनके सेफ की चाबी चाहिए। उनके सेफ की चाबी, उसका क्या करेगा तू? दीदी दीदी मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, पर वो सेफ की चाबी सिर्फ वही चीज है जो मेरी जान बचा सकती है दीदी, प्लीज। अभिषेक मैं डॉक्टर कपूर को धोखा नहीं दे सकती, दैट्स इट। ठीक है मत दो धोखा, ठीक है मत दो धोखा, लेकिन अपने भाई के लिए सिर्फ इतना काम करना, मुर्दा घर में अपने भाई की लाश की शिनाख्त के लिए जरूर आना, बस। अभी अभिषेक रुक ना, अभी सुबह जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरा सेफ खुला हुआ था, और उसमें से एक टेप गायब थी। कपूर, तुम्हारे यहां अगर चोरी हुई है तो
इसकी रिपोर्ट तुम्हें पुलिस में करनी चाहिए। नहीं केजी, मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकता, ये मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर मेरे पेशेंट्स को ये पता चल जाए कि मेरे ऑफिस से टेप चोरी हो रही है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और खास तौर पे वो टेप। किसका था वो टेप? हर्ष वर्मा का। हाई स्काईज एयरलाइंस का मालिक? हाँ, और बाकी किसी टेप को छुआ तक नहीं, सिर्फ हर्ष वर्मा का ही टेप चोरी हुआ है। केडी, अगर ये टेप किसी गलत हाथ में पड़ गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हुआ? ऐसा क्या था उस टेप में? उस टेप में हर्ष वर्मा ने अपने और एमएलए राम शास्त्री की बेटी के संबंधों के बारे में बोला था। केडी, एक तरफ एमएलए राम शास्त्री की बेटी है और दूसरी तरफ हर्ष अपने बीवी माया के साथ प्रीनिपिटल अग्रीमेंट में है। अगर वो टेप गलत हाथ में पड़ गई केजी, तो हर्ष वर्मा का बुरा तो होगा ही होगा, साथ में मेरा करियर भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसी कपूर, तेरे अलावा और कौन जानता था कि सेफ की चाबियां कहां रखी जाती है? दीपिका मेरी एसोसिएट है, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो जानते हो केडी कि वो मेरे साथ करीब 8 साल से काम कर रही है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिसने भी ये टेप चुराई है वो तुम्हारा कोई नजदीकी इंसान है, और ये बात भी तय है कि ये काम जिसने भी किया है वो तुम्हें या हर्ष को कॉन्टैक्ट जरूर करेगा। जैसे ही वो तुमसे संपर्क करे मुझे बताना। माया मैडम, आपका काम हो गया है, वो टेप मेरे पास है। ठीक है, तो शाम को मिलो। सॉरी, एक्चुअली मुश्किल से मिली हुई चीज का दाम भी थोड़ा ज्यादा होता है। 6 लाख रुपए की बात हुई थी, मिल जाएंगे। आप समझी नहीं मैडम, चीज बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए अब उसकी कीमत 6 लाख नहीं 15 लाख हो गई है। देखो, सनी से मेरी बात 6 लाख की हुई थी, समझ में आई? मिल जाएंगे 6 लाख। काम सनी ने नहीं, मैंने किया है, और मैं इसकी कीमत 15 लाख लगा रहा हूँ। आप दे सकती है तो ठीक है, वरना और भी रास्ते हैं मेरे पास। Yes. डॉक्टर देवेंद्र कपूर के क्लिनिक से आए हैं, अंदर भेज दीजिए उन्हें। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? अभिषेक, अभिषेक चौहान। तो क्या चाहिए तुम्हें? 40 लाख। व्हाट? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा जरूर होने वाला है। उठो और निकलो यहां से, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये वही टेप है जो आपने डॉक्टर कपूर के क्लिनिक में रिकॉर्ड करी थी। ये तुम्हें कहां से मिला? अरे मैंने आपको बताया ना, मुझे डॉक्टर देवेंद्र कपूर ने भेजा है, तो जाहिर सी बात है ये टेप भी मुझे उन्हीं ने दी होगी। ये सिर्फ कॉपी है, ओरिजिनल की कीमत सिर्फ 40 लाख। हाँ कपूर बोल। तुम ठीक कह रहे थे केडी, उसने हर्ष वर्मा को कांटेक्ट किया और उसे 40 लाख रुपए की डिमांड की। उसके भाई का, एक नंबर का लफंगा है वो। मैं वो टेप लेने जा रहा हूँ केडी, मुझे हर हाल में वो टेप चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं कपूर, कपूर देख ऐसा, चल वरुण, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। कहां से? दीपिका के घर, चल।
डॉक्टर कपूर को फोन मिल जाए, जा क्लिनिक जाके चेक कर। पहचान इंस्पेक्टर आठवले, केडी पाठक बोल रहा हूँ। आपके एरिया में मर्डर हो गया है, 189 सुमन नगर। बेवकूफी की तुमने कपूर, मुझे बताया क्यों नहीं और तुम्हारा फोन क्यों बंद था कल रात? मैं डर गया था केडी। ये सच है कि कल रात को मैं अभिषेक के घर गया था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसका खून हो चुका था। तुम्हें उसके घर जाने की जरूरत क्या थी? पुलिस को बताना चाहिए था कि उसने तुम्हारे केबिन से वो टेप चोरी किया हर्ष को ब्लैकमेल करने के लिए। नहीं केडी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी की बात किसी को नहीं बता सकता, ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। मैंने उसका खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं केडी, मैंने अभिषेक को नहीं मारा। योर ऑनर, 6 अक्टूबर रात 9 बजे अभिषेक चौहान का पॉइंट ब्लैंक रेंज से बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस को वहां पर डॉक्टर कपूर के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर कपूर का ये कहना है कि वो वहां पर अभिषेक से सिर्फ बातें करने गए थे, इन्होंने अभिषेक का खून नहीं किया। जी ये बिल्कुल सच है सर, कि मैं अभिषेक चौहान से मिलने जरूर गया था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं। अब आप कोर्ट को ये बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसी क्या जरूरी बात थी जिसके लिए आपको अभिषेक के घर जाना पड़ा। आप चुप क्यों हैं डॉक्टर साहब, या फिर आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं? चलिए हम बताते हैं आपको कि उस रात क्या हुआ। आप अभिषेक चौहान के घर गए थे, लेकिन उससे बात करने नहीं, आप उसे धमकाने गए थे डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको शक था कि अभिषेक ही वही इंसान है जिसने आपके ऑफिस के सेफ से चोरी की। और जब उसने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो बेरहमी से आपने उसका कत्ल कर दिया। I object, Your Honor. Prosecution मेरे मुवक्किल पर निराधार आरोप लगा रहा है। इनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि मेरे मुवक्किल ने उस रात गोली चलाई थी। Your Honor, ये रही अभिषेक चौहान के सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों की स्टेटमेंट। इन सब लोगों का यही बयान है कि उन्होंने 6 अक्टूबर की रात को डॉक्टर कपूर को अभिषेक चौहान के फ्लैट की तरफ बहुत गुस्से में जाते हुए देखा। और उन्होंने ये भी बयान किया है योर ऑनर कि डॉक्टर साहब के हाथ में एक रिवॉल्वर थी। ये सच है कि मैं अभिषेक चौहान के घर पे अपनी रिवॉल्वर लेके गया था और बहुत गुस्से में भी था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, अभिषेक अभिषेक योर ऑनर ये झूठ बोल रहे हैं, और इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैं इंस्पेक्टर आठवले को डॉक में बुलाना चाहूंगी। इजाजत। इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से अभिषेक चौहान की मौत .22 कैलिबर स्मिथ एंड वेसल रिवॉल्वर से चली हुई गोली से हुई। जी हाँ, और हमें डॉक्टर कपूर के केबिन की छानबीन करने के बाद वहाँ पर .22 स्मिथ वेसल रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला, जो डॉक्टर कपूर के नाम रजिस्टर था। उन्होंने रिवॉल्वर ACE गन सप्लायर से करीब 1 वर्ष पहले खरीदा था। जब हमने डॉक्टर कपूर से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि वो गन खाड़ी में फेंक दी। खाड़ी में फेंक दी? योर ऑनर, मतलब एक वो एविडेंस जिससे ये साबित हो सकता था कि कातिल डॉक्टर कपूर हैं, उन्होंने खाड़ी में फेंक दी। वेरी इंटेलिजेंट प्लान मर्डर है ये तो। योर ऑनर, अभिषेक की लाश देखकर मैं बहुत घबरा गया था। मुझे वहां पहुंच के रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, और मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, इसलिए वहां से आते वक्त मैंने अपनी रिवॉल्वर खाड़ी में फेंक दी। आपकी इस दलील में कोई दम नहीं है डॉक्टर साहब। योर ऑनर, डॉक्टर कपूर के पास .22 कैलिबर की स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर होना, मौका वारदात पर उनका मौजूद होना, और इनका उस रिवॉल्वर को खाड़ी में फेंक देना, ये सारी बातें यही साबित करती हैं कि कातिल डॉक्टर देवेंद्र कपूर हैं। करेक्शन, प्रोसिक्यूटर साहब, साबित नहीं, ये बातें अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव देती है कि डॉक्टर
कपूर ने ये कत्ल किया हो, किंतु इस बात को प्रमाणित नहीं करती कि डॉक्टर कपूर ने ही ये कत्ल किया है। एंड नाउ योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूटर साहिबा को कोई आपत्ति न हो तो मैं इंस्पेक्टर आथवले से कुछ प्रश्न करने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत। हाँ इंस्पेक्टर साहब, फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक चौहान के घर पे डॉक्टर कपूर के अतिरिक्त किसी और के भी उंगली चिन्ह मिले हैं, क्या ये बात सही? जी हाँ, वहाँ डॉक्टर कपूर के फिंगरप्रिंट्स के अलावा अभिषेक चौहान की बहन दीपिका के फिंगरप्रिंट्स भी मिले। हमें और भी फिंगरप्रिंट्स मिले, मैच करने के बाद पता चला कि वो फिंगरप्रिंट्स वहाँ के लोकल गुंडे सनी के थे। जी मैं अभिषेक के घर गया था, लेकिन रात 9 बजे नहीं, उससे काफी घंटे पहले, जब अभिषेक घर पे था ही नहीं। क्या करने गए थे आप अभिषेक के घर? इधर उधर क्या देख रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, चोरों की भांति क्या ढूंढने गए थे वहां? मैं वो टेप ढूंढने गया था जो अभिषेक ने अपनी बहन की मदद से डॉक्टर देवेंद्र के सेफ से चुराया था। ये आप किस टेप की बात कर रहे हैं? जी वो मुझे हर्ष वर्मा की पत्नी माया वर्मा ने बताया था कि उनके पति डॉक्टर कपूर के यहाँ कुछ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जहाँ ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर कपूर अपने हर पेशेंट की एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में हर पेशेंट अपने बारे में सब कुछ बताता है। उन्हें वो टेप चाहिए था और उसके लिए उन्होंने मुझे 6 लाख रुपये देने की बात कही। ऑर्डर ऑर्डर। अभिषेक की बहन दीपिका उसी क्लिनिक में काम करती है, इसीलिए हमने ये काम अभिषेक को करने को कहा, लेकिन अभिषेक मुकर गया। टेप उसी के पास थी, लेकिन उसने झूठ बोला कि वो टेप उसके पास नहीं है। अरे अगर वो टेप मेरे पास होती तो मैं आपको जरूर वापस कर देता। देख, डबल क्रॉस करने से पहले इतना याद रखना कि हर्ष वर्मा की पत्नी माया ने ये काम मुझे सौंपा है। उसके मन में लालच आ गया था, वो हर्ष वर्मा और उसकी पत्नी दोनों से पैसे इटना चाहता था। झूठ बोल रहे हैं आप सनी। आप शाम को नहीं, रात 8:30 बजे गए थे अभिषेक के घर और उस समय वो घर पर ही थे। उनसे आपने वो टेप्स मांगी और जब उन्होंने इनकार कर दिया तब आपने तहश में आकर उनकी हत्या की। वो टेप्स ढूंढे और मिलने के बाद वहां से फरार हो गए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस की ये दलील बिल्कुल बेबुनियाद है। उस शाम को कुरला के एक शराबखाने में मारपीट करने के लिए सनी को गिरफ्तार किया गया था, ये रही उसकी रिपोर्ट। योर ऑनर, सनी ने अपने कथन में हर्ष वर्मा की पत्नी माया वर्मा का नाम लिया। मैं पूछताछ करने के लिए उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। मिसेस वर्मा, सनी ने अपने कथन में बताया कि आप ही ने उसे वो डॉक्टर कपूर से वो टेप चुराने का काम दिया था और उस काम के लिए आप उसे 6 लाख रुपए देने को तैयार थी, सही है? जी ये सच है। मेरे पति हर्ष वर्मा का ट्रीटमेंट डॉक्टर कपूर कर रहे थे और ट्रीटमेंट के दौरान उनका साइको एनालिसिस किया जा रहा था, मुझे बस वो टेप चाहिए था। और ऐसा करने के लिए आपने एक अपराधी की सहायता ली? क्योंकि मैं ये जानती थी मुझे ये टेप इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। तो मिसेस वर्मा ये बताइए कि उस टेप को प्राप्त करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? अपने पति हर्ष वर्मा से छुटकारा पाना। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं अपने पति की असलियत अदालत के सामने लाना चाहती थी ताकि मैं जल्द से जल्द डिवोर्स फाइल कर सकूं। मैं जानने को उत्सुक हूं मिसेस मेहरा कि इस समय वो टेप कहाँ है। मुझे वो टेप कभी मिला ही नहीं। अद्भुत बात है, क्योंकि मेरे पास अभिषेक के फोन रिकॉर्ड्स है जिसके अनुसार उन्होंने आपको फोन किया था उसी दिन जिस दिन उनकी हत्या हुई थी। तो फोन आने के बाद आप वो टेप्स लेने उनके घर गई होंगी। जैसा, ये सब बेकार की बातें हैं।
मेरी डीलिंग सिर्फ सनी के साथ हुई थी और अभिषेक को तो मैं जाती भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन फोन पर बात करने के बाद तो आप जान गई होंगी उन्हें, और टेप्स लेने उनके घर गई होंगी, और जब उन्होंने टेप्स देने से इनकार कर दिया होगा या रकम ज्यादा मांगी होगी, आपने तहश में आकर उनकी हत्या कर दी होगी। सिंपल इज इट नॉट? देखिए, ना ही मैं अभिषेक को जानती हूँ और ना ही मैं अभिषेक के घर गई थी। तो ये बताइए कि कत्ल के दिन 6 अक्टूबर को 8 और 9 बजे के बीच आप कहाँ थी? बताइए मिसेस मेहरा, 6 अक्टूबर को 8 और 9 के बीच आप कहाँ थी? मैं अपने घर पर ही थी। इस बात का कोई साक्ष्य है? योर ऑनर, इनके घर के नौकर गोपाल का ये स्टेटमेंट, जिससे ये साबित होता है कि रात 8 से 9 बजे के बीच मिसेस वर्मा अपने ही घर पर थी। डिफेंस लॉयर इस अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं योर ऑनर। सारे सबूत और हालात ये साबित करते हैं कि अभिषेक चौहान के कातिल डॉक्टर देवेंद्र कपूर हैं। योर ऑनर, मैं पहले भी व्यक्त कर चुका हूं कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये सिद्ध हो कि डॉक्टर कपूर ने ही ये हत्या की है। इसलिए इस केस में उतावली दिखाना उचित नहीं होगा। एक और व्यक्ति है योर ऑनर, जिन्हें उस समय अभिषेक के घर पर होना चाहिए था, उनकी बहन दीपिका चौहान। दीपिका जी, आपके फोन कॉल्स के हिसाब से 8:23 पर डॉक्टर कपूर ने आपको फोन किया था जी, और इन्होंने कहा था कि ये आपसे और आपके भाई से मिलना चाहते हैं जी। फिर जब ये आपसे और आपके भाई से मिलने आए, उस समय आप वहां क्यों नहीं थी? बताइए दीपिका जी, जब आप जानती थी कि डॉक्टर कपूर को इतना गुस्सा है कि वो कुछ भी कर सकते थे, तो अपने भाई के साथ रहने के बदले आप उसे वहां अकेला छोड़ के चली गई, कहां चली गई थी, आप क्यों चली गई थी, बताइए प्लीज। जब डॉक्टर कपूर का फोन आया तो उस समय अभिषेक घर पे नहीं था। मैंने अभिषेक को बहुत फोन लगाया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं अभिषेक को ढूंढने उसके दोस्त कबीर के घर गई, पर अभिषेक वहां पे भी नहीं था। मैं वहां से घर आ गई और जैसे मैं घर आई, मैंने देखा कि अभिषेक को किसी ने गोली मार दी है। गुड स्टोरी, लेकिन आपकी ये कहानी भरोसे के लायक नहीं है दीपिका चौहान। क्या ये सच नहीं है कि आपने चोरी करने में अपने भाई की मदद की थी? हाँ, ये सच है, मैं उसकी बातों में आ गई थी। लेकिन आपने अपने भाई की सहायता की चोरी करने में, उसके बाद जब आपने डॉक्टर कपूर को इस बात से इतना परेशान देखा, आपका मन बदला, आपने सोचा कि आपको वो टेप वापस इन्हें लौटानी चाहिए, आप अपने कैबिन से इनका गन चुरा कर अपने घर पहुंची, जहां आपकी अपने भाई से लड़ाई हुई जिसमें गलती से आपके हाथ गोली चली। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। आप ही ने अपने भाई का खून किया है, क्योंकि आप डॉक्टर कपूर से प्यार करती हैं और इनकी परेशानी आपसे देखी नहीं गई, इसीलिए आपने अपने भाई की हत्या की। ये तुम क्या कह रहे हो केडी, ये बिल्कुल गलत है। दीपिका ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो भला अपने भाई का खून क्यों करेगी? उसने मेरे केबिन से कोई गन नहीं चुराई, मैं खुद गन लेके अभिषेक से मिलने गया था, और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे दीपिका नहीं थी, थी तो सिर्फ अभिषेक की लाश। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डॉक्टर कपूर ये खुद कह रहे हैं कि जब वो दीपिका के घर गए थे तो दीपिका वहां पर नहीं थी, और उसके बाद वो रिवॉल्वर लेकर अभिषेक के घर गए। ऐसे में दीपिका पर शक करना बिल्कुल बेबुनियाद है। अब मैं अपने अगले गवाह मिस्टर हर्ष वर्मा को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। जी हाँ, 6 अक्टूबर को करीबन 6 बजे अभिषेक मेरे ऑफिस आया था। वो वहाँ क्या करने आया था? वो डॉक्टर कपूर के क्लिनिक से मेरी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की रिकॉर्डिंग टेप लेकर आया था, और उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे 40 लाख रुपए नहीं दिए तो वो टेप किसी न्यूज़ चैनल को बेच देगा, और हाँ, उसने ये भी कहा कि उसके पास इस टेप की और भी कॉपीज हैं। तो फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैं डॉक्टर कपूर के क्लिनिक गया। मैंने डॉक्टर कपूर को बताया कि अभिषेक चौहान नाम का आदमी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर तो डिनाई करते रहे, मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन
लेकिन जिस तरह डॉक्टर कपूर बिहेव कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है उन्हें सब मालूम है, और हो सकता है कि वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व हों। फिर डॉक्टर कपूर ने ये भी कहा कि ओके, ठीक है, जो आप कह रहे हैं अगर वो ठीक है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मुझे अभिषेक चौहान का खून ही क्यों ना करना पड़े, मैं वो टेप यहाँ पे लेके आऊंगा। थैंक यू मिस्टर वर्मा। योर विटनेस सर। मिस्टर वर्मा, आपने कथन में आपने कहा कि आपको ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर कपूर और अभिषेक इस ब्लैकमेल के मामले में मिले हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उस अभिषेक को वो टेप कहाँ से मिलती, और फिर डॉक्टर कपूर ने कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। आपने भी तो इनके खिलाफ, इस ब्लैकमेल के खिलाफ पुलिस में कोई सूची नहीं की। फिर ये बताइए कि डॉक्टर कपूर और अभिषेक आपके कहे अनुसार आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, उस टेप पर कुछ ऐसी आपकी निजी बातें थीं जो आप नहीं चाहते थे किसी के सामने आए, तो इन सब इस घटना से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आपने क्या कदम उठाया, क्या किया? जी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अद्भुत बात है, आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी इमेज खतरे में थी, इतना बड़ा नुकसान होने वाला था आपको, और आपने कुछ भी नहीं किया। इसका जवाब आपको डॉक्टर कपूर शायद ज्यादा अच्छी तरह दे पाएंगे। कैसे? क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के तहत उन्होंने मुझे बताया कि जल्दी निर्णय ना ले पाना, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही, चलिए छोड़िए, ये बताइए कि उस रात 8 और 9 बजे के बीच आप कहाँ थे? मेरी 8:15 बजे एक मीटिंग थी और 9 बजे तक मैं उसी मीटिंग में था। वो 8:15 वाली आपकी जरूरी मीटिंग में से आप 25 मिनट तक गायब हो गए थे, कहाँ गए थे आप? मैं शायद वॉशरूम गया होगा। योर ऑनर, उस मीटिंग में बड़ी बड़ी एयरलाइन के ओनर्स मौजूद थे, जिन सबका ये साइन स्टेटमेंट है कि हर्ष वर्मा ने वो मीटिंग अटेंड की थी। और डिफेंस लॉयर ये भी भूल रहे हैं कि कत्ल की जगह पर हर्ष वर्मा के नहीं, डॉक्टर देवेंद्र कपूर के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। माय लॉर्ड, योर ऑनर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। केडी सर, क्या लगता है आपको, जिस किसी ने भी अनुराग का खून किया है, क्या उसे टेप की कॉपीज मिली होंगी? ये तो कहना मुश्किल है वरुण, लेकिन एक बात तो तय है कि हत्या उन टेप्स के वजह से ही हुई है। 4 लोग हो सकते हैं, एक हर्ष वर्मा खुद, दूसरी उनकी पत्नी माया जो उनसे घृणा करती है, उनका पोल खोलना चाहती थी, तीसरा सनी 6 लाख रुपयों का लालच, और चौथी दीपिका चौहान। वरुण, अभिषेक चौहान कौन सी गाड़ी चलाता था? हाँ तो मिस्टर वर्मा, वो 8:15 वाली आपकी जरूरी मीटिंग में से आप 25 मिनट तक गायब हो गए थे, कहाँ गए थे आप? मैंने आपको बताया था ना, मैं शायद वॉशरूम गया होगा। शायद आप वॉशरूम गए थे? नहीं, आप यकीनन वॉशरूम नहीं गए थे, आप गए थे अभिषेक के घर, वहां जाकर आपने उन टेप्स की मांग की, अभिषेक ने इनकार किया और आपने उसकी हत्या कर दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं अभिषेक के घर गया ही नहीं। ताज्जुब की बात है कि अगर आप अभिषेक के घर नहीं, तो आपके कोट का ये बटन वहां से कैसे बरामद हो? और इस बटन में लगा हुआ जो धागा है, इसका दूसरा छोर आपके उस जैकेट पर लगा हुआ है जो 7 अक्टूबर को आपने अपने टेलर के पास भेजा था बटन लगवाने। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है मिस्टर वर्मा, ये वास्तविकता है, और इस वास्तविकता का लिखित प्रमाण जज साहब की मेज पर रखा हुआ है। अब बताइए, आप अभिषेक के घर गए थे या नहीं? मैं माफी चाहता हूं,
मैंने अदालत से झूठ बोला। मैं अभिषेक के घर गया था और मेरी उससे हाथापाई भी हुई, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। लेकिन हाँ, जब मैं उसे धमका कर उसके घर से बाहर आ रहा था तो मैंने दीपिका जी को अंदर जाते हुए देखा। जी, जब मुझे अभिषेक कहीं भी नहीं मिला तो मैं वापस घर आ गई। हाँ, और जब आप वापस घर आई और आपको अभिषेक घर पर ही मिले तो आप दोनों के बीच में बहस हुई, आपने उनसे वो टेप मांगी, उन्होंने इनकार कर दिया और आपने उनकी हत्या कर दी। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। अगर मैंने अपने भाई को मारा होता तो मैं खुद पुलिस के सामने जाकर अपने आप को सरेंडर कर देती, लेकिन डॉक्टर कपूर को कभी भी फंसने नहीं देती। मैं जानती थी कि अगर अगर डॉक्टर कपूर हमारे घर आए तो उनके और अभिषेक के बीच में झगड़ा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं डॉक्टर कपूर को समझाने के लिए उनकी क्लिनिक की तरफ निकल गई। वेट अ मिनट, मैंने उस रात माया को हमारी सोसाइटी में एंटर करते हुए देखा था। क्या पता ये खून माया ने किया हो? ये लड़की झूठ बोल रही है। जब मैं कभी अभिषेक के घर गई ही नहीं तो इसने मेरी कार कैसे निकली वहां पर? और इस बात का प्रमाण मैं पहले ही कोर्ट में दे चुकी हूँ योर ऑनर। और इसी प्रमाण की जांच पड़ताल करने के लिए मैं माया जी के गृह सेवक गोपाल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ योर ऑनर। इजाजत। गोपाल जी, आपने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि आपकी मेम साहब उस रात 6 अक्टूबर की रात को 8 और 9 बजे के बीच घर पर ही थी। हाँ, कहा था। गोपाल काका, क्या सचमुच घर पर थी वो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस लॉयर ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं? योर ऑनर, दीपिका जी ने अदालत में अपने कथन में बताया कि उन्होंने माया जी को उनकी गाड़ी में उस सोसाइटी के अंदर जाते हुए देखा। तो या तो दीपिका जी झूठ बोल रहे हैं या गोपाल काका, ये जानना जरूरी है कि कौन झूठ बोल रहा है ताकि उसके झूठ की उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। हाँ बताइए गोपाल जी, क्या 6 अक्टूबर की रात को आपकी मेम साहब रात 8 और 9 बजे के बीच घर पर थी या नहीं? साहब, आपने कहा है कि झूठ बोलने पर सख्त से सख्त सजा मिल सकती है। हाँ बाप, वो तो है गोपाल जी। साहब, मेरी दो छोटी छोटी बहनें हैं। साहब साहब, मुझे कोई सजा नहीं चाहिए। साहब, वो तो मैम साहब के कहने पर मैंने झूठ बोला था। वो घर पर थी नहीं, वो तो गाड़ी लेकर कहीं और गई थी। हाँ साहब। अब बताइए माया जी, आप उस रात अभिषेक के घर गई थी या नहीं? जी, मैं अभिषेक के घर गई थी, पर मैंने उसका खून नहीं किया। झूठ पे झूठ पे झूठ माया जी। सर्वप्रथम तो आपने अपने गृह सेवक गोपाल काका से झूठा बयान दिलवाया अदालत में। द्वितीय, आपने स्वयं झूठ बोला कि आप उस रात अभिषेक के घर नहीं गई थी। सच तो यह है कि आप उस रात अभिषेक के घर गई थी, लेकिन वहां जाते आपको पता चला कि अभिषेक हर्ष वर्मा के साथ टेप्स का सौदा कर चुका है। आप तहश में आ गई और गुस्से में आपने अभिषेक की हत्या कर दी। नहीं, मैं अभिषेक के घर जरूर गई थी, पर मैं उसे धमकाने गई थी। मैंने अभिषेक का खून नहीं किया। मैंने अभिषेक का खून नहीं किया। क्षमा चाहता हूं। योर ऑनर, अभी अभी इस केस से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच मेरे सामने आया है, इसीलिए मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि मुझे एमएलए राम शास्त्री की सुपुत्री वंदना शास्त्री को अदालत में कटघरे में बुलाने की अनुमति दी जाए। योर ऑनर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिफेंस लॉयर इस केस को कौन सा रुख देना चाह रहे हैं। वंदना शास्त्री का इस केस से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। उतना ही लेना देना है योर ऑनर जितना कि यहां बैठे बाकी गवाहों का। केरी, प्लीज, तुम ये सब। कपूर, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस मोड़ पर मुझे ये बात अदालत के सामने रखनी ही पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो केडी? योर ऑनर, इस केस के शुरुआत से जिस टेप का जिक्र हो रहा है, वो टेप जिसके लिए अभिषेक की हत्या की गई, उस टेप पर हर्ष वर्मा और वंदना शास्त्री के नाजायज संबंध की कथा है।
आप हर्ष वर्मा को जानती हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ। फिर तो आप अभिषेक चौहान को भी जानती होंगी। जी नहीं, मैं अभिषेक चौहान को नहीं जानती। अच्छा, तो आप अभिषेक चौहान को नहीं जानती। ये बताइए कि 6 अक्टूबर को रात 8 और 9 बजे के बीच आप कहाँ थी? जी, मैं अपने पापा की पॉलिटिकल पार्टी का यूथ विंग संभालती हूँ। उसी की मीटिंग थी बांद्रा में, मैं वहीं पर थी। BMW काले कलर की MH04969 आप ही की गाड़ी है? जी। ये आप चलाती हैं या आपका वाहन चालक चलाता है? जी, कभी मेरा ड्राइवर कभी मैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और उस रात इस सभा में आप इसी गाड़ी में गई थी? जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सहनशीलता से मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया। एक आखिरी प्रश्न, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आप अगर उस गाड़ी में उस रात बांद्रा गई थी अपनी सभा में उपस्थिति भरने, तो आपकी गाड़ी ने 8:20 पर अंधेरी टोल नाका कैसे क्रॉस किया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा, आपकी गाड़ी ब्लैक कलर BMW MH04969 8:20 पर अंधेरी टोल नाका क्रॉस कर रही थी। और इस बात की सूची योर ऑनर आपकी मेज पर है, पर इनकी गाड़ी का नंबर भी। कैसे हुआ है? हो सकता है कि मैं अंधेरी गई होंगी किसी मीटिंग के लिए। किसके साथ थी आपकी ये मीटिंग? अभिषेक चौहान के साथ? क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं अभिषेक चौहान को नहीं जानती। अद्भुत। अगर आप अभिषेक चौहान को जानती भी नहीं, तो आपकी गाड़ी का यह टोल रसीद अभिषेक चौहान जी के घर से कैसे मंगाया गया? बताइए मिस वंदना शास्त्री, आपकी गाड़ी के टोल का रसीद अभिषेक चौहान के घर से कैसे पाया गया? मुझे नहीं पता कि ये टोल रसीद वहां कैसे पहुंची। मैं बताता हूँ आपको। 6 अक्टूबर की रात आप अपने काले कलर की BMW में बैठी, अंधेरी टोल नाका क्रॉस करके आप अभिषेक चौहान के घर पहुंची उन टेप्स को हासिल करने, जिन टेप्स पर आपकी और मिस्टर वर्मा की कहानी दर्ज थी। और इसी के चलते आपने अभिषेक की हत्या कर दी। क्या बकवास कर रहे हैं आप जानते भी हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? भली भांति जानता हूँ कि मैं MLA श्री राम शास्त्री की सुपुत्री वंदना शास्त्री, जो यूथ विंग पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष है, उन्हीं से बात कर रहा हूँ। क्या आपके पास .22 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर है? जी है। क्या आपने अपने रिवॉल्वर को कुछ ही समय पहले मनक गन सर्विसेज के पास सर्विसिंग के लिए भेजा? वो तो ईयरली सर्विसिंग के लिए दी थी। ईयरली सर्विसिंग के लिए भेजा था योर ऑनर। और ईयरली सर्विसिंग के बाद जब गन लौटती है तो उसे एक बार फायर किया जाता है, ये जानने के लिए कि गन ठीक से चल रही है, उचित कंडीशन में है या नहीं। ऐसा ही ट्रायल फायर इनकी .22 स्मिथ एंड वेसन से किया गया। और बैलिस्टिक्स का ये कहना है योर ऑनर कि इनकी चलाई हुई वो गोली और स्वर्गीय अभिषेक चौहान के मृत शरीर से पाई गई घातक गोली दोनों मेल खाती है। एंड योर ऑनर, पोस्टमार्टम के दौरान अभिषेक के मृत शरीर से जो गोली बरामद हुई थी, वो गोली वंदना के रिवॉल्वर से चली। वो दोनों गोली एक ही गन से चली है, यानी कि आपकी गन से चली है, यानी कि आप ही ने अभिषेक चौहान ही ने रखी। MLA श्री राम शास्त्री, मिस वंदना शास्त्री, मैंने अभिषेक चौहान का खून किया है। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन मैं वहां अभिषेक चौहान का खून करने नहीं गई थी। मैं तो मेरे पास हर्ष का फोन आया था कि अभिषेक चौहान नाम के किसी ब्लैकमेलर के पास वो टेप है जो उन्होंने डॉक्टर कपूर के क्लिनिक पे रिकॉर्ड किया था, और उन्होंने वहां मेरा जिक्र किया था। मैं बहुत घबरा गई थी कि अगर ये टेप सबके सामने आ गई तो मेरे पॉलिटिकल करियर पर असर पड़ सकता है। पर हर्ष ने मुझसे कहा कि वो अभिषेक के घर जा रहा है, और इसीलिए मैं अभिषेक के घर के लिए निकली। लेकिन जैसे ही मैं अभिषेक के घर के दरवाजे तक पहुंची, देखो मेरी मजबूरी का गलत फायदा मत उठाना, और टेप की कोई भी बात किसी भी तरह से माया तक पहुंची ना, तो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा।
डरते क्यों भाई? हैं? बीवी चली गई तो वो एमएलए की बेटी है ना वंदना तुम्हारे साथ। अरे तुम्हें किस बात की कमी है भाई? वंदना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ माया से है। माया मेरी पत्नी है, वंदना कोई नहीं, समझा? वंदना जैसी लड़कियां मेरे काम आती हैं। है? तुम्हें कल 40 की जगह 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना कोई चालाकी नहीं चाहिए। मैंने तो हर्ष से सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसके मुंह से अपने बारे में ये सब सुनने के बाद नफरत हो गई थी मुझे उस इंसान से। और सिर्फ हर्ष को अभिषेक के खून के जुर्म में फंसाने के लिए मैंने अभिषेक को मार दिया। मुझे तो यही लगा कि हर्ष को अभिषेक के खून के जुर्म में सजा मिल जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर कपूर उसके बाद वहां पहुंच गए। थैंक यू मिस वंदना शास्त्री, द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। सारे सबूतों के मद्देनजर और वंदना शास्त्री के इकबालिया बयान के बाद यह अदालत डॉक्टर देवेंद्र कपूर को बाइज्जत बरी करती है और वंदना शास्त्री पर अभिषेक चौहान के कत्ल का मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। कपूर साहब, क्या बात है, अपनी रिहाई से खुश नहीं लग रहे आप? केडी, तुम जानते हो ना कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेशेंट्स की बातें इस तरह से दुनिया के सामने उजागर हो, वो भी मेरी वजह से। कपूर देख, तेरी सच्चाई अपनी जगह ठीक है, मैं तो कहूंगा काबिल तारीफ है, लेकिन किसी की सच्चाई की खातिर अपराधी को अपने किए हुए अपराध की सजा ना मिले, ये तो ठीक नहीं है ना मेरे दोस्त। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।